दोस्तों, अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि उनको आपके लिए अब सारी फीलिंग खत्म हो गई है, या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में अब आपके लिए कोई प्यार नहीं बचा, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात को समझना है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, क्योंकि जो टाइम के साथ बढ़ जाता है, टाइम के साथ कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है ना, वो लोगों के इमोशन नहीं होते, लोगों का इंटरेस्ट होता है। हाँ, जब उनका इंटरेस्ट आप पे बहुत होता है ना, तब उनको भी ऐसा लगता है कि वो उनकी फीलिंग है, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट होता है। अब आप लॉजिकली किसी भी रिलेशन में देखो ना, तो कोई भी रिलेशन जब टाइम के साथ आगे बढ़ता है ना, तो उसमें दो में से एक चीज़ होगी, या तो ये होगा कि उस रिलेशन में आप गलती से या अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसके कारण आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ता जाता है और आपको बहुत प्यार करने लगता है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में दूसरी चीज़ होने लगती है कि टाइम के साथ अनजाने में आपको कुछ चीज़ें पता नहीं और आप कुछ गलत कर रहे हो, और वो गलत करने के कारण आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे बोर होता है, फिर वो इरिटेट हो जाता है और फिर वो आपको इग्नोर करने लगता है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है और वो आपको ये बताने लगा है कि वो आपको टाइम नहीं देता क्योंकि अब उनकी कोई फीलिंग नहीं रही है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं कुछ गलत कर रहा था, जैसे रह रहा था, जो भी चीज़ें कर रहा था, ऐसे वो बोर हो गया, इरिटेट हो गया और इसीलिए वो इग्नोर कर रहा है। मुझे रिलेशन में ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मुझसे बोर या इरिटेट ना हो, बट उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप में जो इंसान का इंटरेस्ट कम हो सकता है ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है। बट आपको चीज़ें समझनी होगी कि मैं क्या करूँगा तो वो इरिटेट होगा और मैं क्या करूँगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दोस्तों, ये अचानक से नहीं होगा, मतलब आप 5 दिन 10 दिन करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप में पेशेंस होना चाहिए, हो सकता है कि आपको 2 महीने मिनिमम लगे, हो सकता है कि आपको 1-2 महीने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट इसके साथ जो मैं आपको चीज़ें बताता ना, उसको आपको फॉलो भी करना होगा। सबसे पहली चीज़ ना, आपको अपने पार्टनर को ना समझाना बंद करना होगा। देखो, ये जाहिर सी बात है कि कोई इंसान अब हमारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट न होने का मतलब कि हमारे साथ बात करना, हमें मिलना, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे करने से उल्टा वो और ज़्यादा बोर हो रहा है, तो राइट, इसी रीज़न से वो हमें इग्नोर कर रहा है। तो फिर भी उनका इंटरेस्ट ना होने के बाद भी हम उनको फोर्स करेंगे, उनको प्रेशर करेंगे कि भाई टाइम दो, मिलो, तो क्या होगा, वो हमसे और ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा। बट हमारे साइड पे ये होता है ना कि भाई उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे तो इमोशन है, हम तो हॉट हो रहे हैं, तो एक्जैक्टली हम जो फील कर रहे होते हैं ना, हम उनको जाकर समझाते हैं कि भाई ये हो रहा है, कितना प्यार कर रहा हूँ, तू मेरे क्या है। बहुत कोशिश करते हैं लोग, मेरे लिए कई बार सरप्राइजिंग बात ये होती है कि बहुत सारे व्यूअर जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जिसमें मैंने पहले भी ये चीज़ कही हुई है, वो लोग जब मेरे साथ कॉल बुक करते हैं और मुझे पर्सनली जब अपनी स्टोरी बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत मनाया, लेकिन वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान आपके साथ बात करने से इरिटेट फील करेगा, बोर फील करेगा अपने आप को उस कन्वर्जेशन में, वो कैसे बात करेगा। आप देखोगे कि जब किसी इंसान का मन नहीं होता और हम फिर भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ऐसा फील करता है कि जैसे उसके ऊपर हम प्रेशर कर रहे हैं। और आप देखोगे कि आपने जितनी कोशिश की होगी ना उस इंसान को समझाने में, ज्यादातर बार आप ये पाओगे कि वो इंसान पहले से आपसे उतना दूर गया। ऐसा कर करके ना हम उस इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमारी वैल्यू भी खत्म कर देते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप उनको कुछ भी ना कहो, कोई फाइट मत करो, एक भी क्वेश्चन उनको मत करो, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी आप उनको पेस देना स्टार्ट करो। अब बहुत सारे लोग ना पेस देने से डरते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर को पेस देने से डर लगता है, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि पेस देने का मतलब क्या होता है। अब आपको बार बार अपने पार्टनर को कॉल करके अपने इमोशन नहीं दिखाने, उनके सामने रोना नहीं है, टाइम नहीं मांगना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और आप जितना एफर्ट करते हो ना बहुत कम करो। अगर कुछ काम है, अगर कुछ ऐसी वैसी नॉर्मल बात है, तभी उनको कॉन्टेक्ट करो, मतलब उनकी लाइफ से थोड़ा हटो, थोड़ा सा उनकी लाइफ से दूर हो, उनको अकेले थोड़ा रहने दो। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तभी वो भी मुझे ये क्वेश्चन करते कि नहीं मुझे तो बड़ा डर लगता है, अगर मैंने पेस दी तो वो इंसान तो मुझे भूल जाएगा, उसको तो कोई और मिल जाएगा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आप जो दोनों हाथ से उनको पकड़ के अपने रिलेशन में रखे हो, इसीलिए उनका कुछ इंटरेस्ट बन के रहा है, इसीलिए आज भी वो आपके साथ है? आपको ऐसा लगता है जिस इंसान को आपको धोखा देना होगा, आप 24 घंटे उनके साथ रहोगे तो भी वो आपको देगा। एक चीज याद रखो कि जब तक किसी इंसान का अपने से, अपने आप से आप में इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना, वो इंसान खुशी खुशी आपके साथ नहीं रहेगा। अब जितनी जबरदस्ती करोगे वो इंसान आपसे दूर जाएगा। अच्छा, एक चीज ये होती है कि आप पेस दोगे और वो इंसान आपको भूल जाएगा, नहीं, स्टार्टिंग में जब आप पेस देते हो ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, इसलिए वो तो बात नहीं कर रहा था, आप भी धीरे धीरे कम करते हो तो आपको ये फील होता है कि एकदम खत्म हो गया है।
लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें एक इरिटेशन से एक जगड़े से वो निकलता है तो थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करता है। मजे की बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी भी इंसान को पेस देने से उसे कोई और नहीं मिल जाता, बट जब हम किसी इंसान का इंटरेस्ट खत्म होने के बाद भी उनको बहुत इरिटेट करते हैं अपने इमोशन दिखाकर, अपना प्यार और अपना दर्द बार बार उनको क्वेश्चन करते हैं, उनके सामने रोते हैं, तो इतना इरिटेट हो जाता है ना, फिर हमारे साथ उनको बात करना अच्छा नहीं लगता, तब सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ बात करे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी बुरा लगेगा ना उसको वहाँ जाकर रिलैक्स फील होगा। अगर आपके रिलेशन में सब कुछ सही है ना तो आपके साथ वो कनेक्ट फील करेगा, लेकिन यहाँ पर तो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि उस टाइम पे वो किसी और के साथ रिलेशन बना ही ले, क्योंकि हमारे इरिटेशन से हम उनको बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगते और वो नया इंसान उसको इसलिए ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उनको पेश दोगे तो वो भूल जाएगा। अगर आप किसी इंसान के पास दिन भर बैठे रहते हो और ये सोचते हो कि यार इस इंसान को मेरी याद क्यों नहीं आती, भाई तो उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कितने टाइम से बात नहीं की, कितने टाइम से तुझे देखा नहीं तो याद आएगी ना, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा दूर तो जाना होगा, आपको थोड़ा पेस तो देना होगा, इसलिए जरूरी है कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में हो और स्पेशली वो आपसे बोर ना हो, इसलिए आपको उनको पेस देना ही होगा। ओके, एक बात और है कि जब आप पेस देते हो और धीरे धीरे जब आपके पार्टनर को आपके पेस देने से फर्क पड़ता है ना, तब वो आपसे फरियाद करता है कि हाँ तू तो मेरे बिना रह पा रहा है, तू भी मुझे भूल गया, इस तरह की कन्वर्जेशन होते हैं, तो इससे डरना नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो उल्टा हो गया, ये सही चीज़ है, ये चीज़ है जिससे आपके पार्टनर को एक्चुअल में आपसे फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको उनको पॉजिटिव साइन मानना होगा। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में करना ही करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये चीज़ करने से ही आपके रिलेशन में आएगा, इवन आपकी लाइफ में भी। और वो चीज़ जो आपको करनी है वो आपको अपनी लाइफ को ना क्रिएट करनी है। इस 3 महीने में, आने वाले 3 महीने आपको एक अलग से अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करना है। अभी आप अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आपका मूड क्या है, इमोशनल स्टेटस आपका क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, एंड कहीं ना कहीं ये कहोगे आप कि अपनी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आने वाले 3 महीने में आपको अपने ऊपर इतना काम करना है जैसे आपको खुद को ये फील करना है, प्रॉब्लम होने के बाद भी खुद को ये एहसास करना है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस आने वाले 3 महीने में हो सके उतना आपको उस रिलेशन के बारे में सोचना ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो इंसान कहाँ पर जा रहा है, किन से बात कर रहा है, रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचना नहीं है। मैक्सिमम आपको अपनी इसी लाइफ के बारे में सोचना है, बट आपको अपनी इस नई लाइफ में क्या चीज़ें क्रिएट करना है और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो चीज़ें थोड़ी सी समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी पर्सनालिटी, दूसरी चीज़ आपको अपना वर्क, तीसरी चीज़ आपको अपना सर्कल बनाना है यानी कि अपने दोस्त बनाने हैं, आपको नए लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाना है, चौथी चीज़ आपकी जो शौक, जो आपकी हॉबीज होती है उनके ऊपर आपको काम करना है। आने वाले 3 मंथ में ना आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आप हर चीज़ के लिए प्लान बनाओगे कि आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, आपको अपने काम के लिए या अपनी स्टडी के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो ना उसके लिए आपको गोल बनाना है, उसके लिए आपको काम करना है, उसके बाद आपके जो दोस्त जिसको आपने अपने रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए छोड़ दिया था, उनके साथ आपको वापस से कनेक्ट होना होगा, और जो आपके शौक है, जो हॉबी है, कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के लिए या रिलेशन के लिए या जो आपको करना पसंद है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करो। दोस्तों ये आपकी अभी करंट लाइफ की ना एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन को दिखाता है। तो मैंने आपको कहा ना कि आपको आने वाले 3 महीने में अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा चेंज करनी है, ऐसे आपकी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस तो बढ़ेगा, आपको जो ये बुरा फील होगा ना वो भी नहीं होगा। बट जो इंसान आज आपको ये कह रहा है कि उनकी कोई फीलिंग नहीं थी, उनका आपको देखने का नजरिया एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी रीजन है, आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए इमोशन नहीं, वो आपके आज के कारण है। कहीं ना कहीं हम इस रिलेशन के ऊपर अपना माइंड से ज्यादा डाइवर्ट कर रहे थे। एक्चुअल में हमें अपनी लाइफ में जो मैंने ये 4 चीज़ें कही उसके ऊपर फोकस रहना ही चाहिए। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में ज़्यादा डाउन हो गए थे, इसलिए ये दोनों चीज़ें, आपके रिलेशन और आपकी अपनी ओन लाइफ, इन दोनों के बीच में बैलेंस रखिए। आप देखोगे कि आप रास्ता ओपन रखते हो, आप उस इंसान के साथ लड़ नहीं लेते हो, झगड़ नहीं रहते हो, और उनके साथ एक काम के कारण अपनी बातचीत ऑन रखते हो कभी कभार, तो वो इंसान बहुत आसानी से आपके चेंज, आपके बदलाव को नोटिस करेगा, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो उनके लिए रो रोकर उनको इरिटेट कर देते, आप ही इंसान है जो उनके बिना रह नहीं पाते थे। जब वो इंसान ये नोटिस करता है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है,
एक चीज याद रखो कि कोई भी इंसान आपके लुक से ना अट्रैक्ट होता है, उनका सिर्फ ध्यान जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उनका इंटरेस्ट आप अपनी लाइफ कैसे जीतते हो या अपने आप को आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने कैसे रखते हो ना, इस चीज से बनता है। अब 2-3 महीने, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप 2-3 महीने इतने चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे, तो जो भी इंसान आज आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया ना, काफ़ी हद तक उस इंसान का माइंडसेट आपके लिए एकदम बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।